रेलवे स्टेशन से हम सीधा गुरुद्वारा चले गए। कल रात को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुके थे और आज हमने वहाँ से हमने बस पकड़ लिया और सिर्फ 20 रुपये में यहाँ पहुँचा दिया सेक्टर 8। तो फिलहाल सेक्टर 8C में मध्य मार्ग में गुरुद्वारा साहिब जी पाठशाही 10वीं गुरुद्वारा में रुके हुए हैं। यहाँ हम थोड़ा डेंटल प्रॉब्लम था तो उस वजह से दिखाने के लिए आए हैं और यहाँ आप भी अगर कभी आते हैं चंडीगढ़ तो यहाँ दिखा सकते हैं। और अभी चलते हैं देखते हैं, उससे पहले हम आपको ये गुरुद्वारा घुमा देते हैं। तो अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे और यही पास में जहाँ कि जूता रखने के लिए भी है, जूते यहाँ जमा कर चुके हैं पहले, यहाँ आपको हाथ धोने हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं देखते हैं। उस तरफ नीचे से आने के बाद यहाँ पे माथा टेकेंगे। यहाँ शादी हो रही है। उस तरफ दिखाते हैं लंगर हॉल और मेडिकल सुविधा जो यहाँ दिया गया है वो सब दिखाते हैं आपको। इस तरफ लंगर का सुविधा है और यहाँ नीचे आते हैं तो इस तरफ शादी का फंक्शन चल रहा है या फिर कोई फंक्शन है तो यहाँ ये सुविधा होता है। वीआईपी हॉल है ये, यहाँ कोई फंक्शन है तो यहाँ। लंगर में खाना खाने के बाद यहाँ पे हाथ धोएंगे। ये भाई ऑफिस रूम हो गया जहाँ कंसल्ट करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, सुविधा भी है यहाँ पे। एक्सरे ये सब सारी सुविधाएं। ये भाई साफ सफाई का भी ध्यान काफी अच्छा से रखा जाता है। दोपहर के 12 बज चुके हैं और यहीं लंगर खाकर यहीं रुके हैं क्योंकि दोपहर 3 बजे क्योंकि हमें ट्रीटमेंट यहाँ करवाना है। ये मैंने पर्ची बनवाया था यहाँ और ये हमें मिल चुका है दवाई। दोपहर को 3 से 5 और सुबह 9 से 12 दवाई के लिए। अभी हम गुरुद्वारे से निकल चुके हैं और हालांकि कल हमें बुलाएं सुबह भी और कल शाम को भी जाना पड़ेगा तो देखते हैं अब क्या होता है। आपको बहुत जल्द आने वाला है कैंपिंग टेंट अनबॉक्सिंग ये सब कुछ, तो बने रहिए हमारे वीडियो देखते रहिए। फिलहाल अभी देखिए क्या होता है, अभी बहुत ठंडा है, कहाँ रुकना है कैसे रुकना है कुछ भी पता पता कुछ भी नहीं है मुझे, तो सोचते हैं यहाँ कहाँ रुकूँ। देखता हूँ कोई फंडा अपनाता हूँ कहीं भी आसपास, देखता हूँ गुरुद्वारा जहाँ की हमें सुविधा मिल जाए रुकने का क्योंकि यहाँ बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। तो भाई ये देखो भाई ने क्या कर दिया है, यार ये गजब का हो गया यार। अब नज़र आएगा ट्रक वालों और कोई भी गाड़ी वाले को, हम दूर से ही देखेंगे हाँ भाई रोक देना चाहिए। फिलहाल की अभी 10 गाड़ी में से 8 ही गाड़ी रोकना था, 10 के 10 को रोकेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कोई बात नहीं, लगे रहो अपना अच्छा कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अभी तो 2 दिन रहना, कोई नहीं यहीं पर मैं तो इसी एरिया में घूमता हूँ, ठीक है। शॉप पर ही काम करते हो? हाँ करता हूँ 2-3 साल हो गए। तो आप ऐसे रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं मैं तो सीता हूँ यूपी साइड से। चलिए भाई 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 की मदद कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, हर कोई ऑल इंडिया अच्छा कर रहे हो आप, बहुत आगे जाओगे ठीक है। तो भाई अभी चंडीगढ़ में हम हैं और अभी इस वक्त कुछ नए लोग मिले हैं जिनके साथ अभी पूछताछ हो रही है कि कहाँ यहाँ से निकलना होगा, कौन सा बेस्ट रूट रहेगा। फिलहाल कौन सा बेस्ट रूट रहेगा अगर इस तरफ से हिमाचल प्रदेश तरफ से जाना है तो आपको नई मध्य मार्ग वाली रोड भाई सिद्धि वालों को लगती है पंजी वाली, तो हाईवे निकल जाएगा क्या? जी हाईवे की तरफ से निकल जाएगा, यहाँ से आप सीधा जाना डायरेक्ट हाउसिंग बोर्ड,
ये तो 800 सुना लिया भाई ने एक ही साइड किक किया था, तो मैंने बोला कि भाई एक ही साइड कर दिए तुमने, तो भाई ने बोला कोई नहीं यार हमारा शॉप है, तो इसने दोनों साइड कर दिया, और बीच में जो बीच में टेप लगा हुआ है जो हमें हेल्पफुल करेगा, ये इतना बड़ा है देख लो इतना बड़ा। तो यहाँ ये लिफ्ट प्लेज भारत यात्रा करते हुए निकलेंगे, और यहाँ से होते हुए हम 7 स्टेट सोच रहे हैं जाने के लिए, 7 स्टेट चले जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भाई ने हमें ये छोटा वाला भी करके दे दिया, छोटा भी दे दिया, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये छोटा वाला है, कोई नहीं ये बढ़िया सा हो गया। तो अब डेली ब्लॉग जैसा कि मैंने बोला था डेली ब्लॉग आता ही रहेगा, और अभी फ़िलहाल भाई अब हम निकलते हैं। तो भाई बहुत बहुत थैंक यू सो मच भाई के लिए, और नेक्स्ट टाइम भाई जो जो हेल्प एक होता है ना, जो जो हेल्प कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से फर्स्ट पेमेंट में नहीं यूट्यूब पर, सेकेंड पेमेंट पर पार्टी मेरे तरफ से रहेगा, और हर जगह जाएंगे, दोबारा जाना ही है क्योंकि फुल्ली एक्सप्लोर करेंगे। ये तो बाय लिफ्ट लेकर जा रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो फुल्ली फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊँगा। सेक्टर 8 से निकलने के बाद अभी हम सेक्टर 7C में पहुँच चुके हैं, यहाँ पास में एक गुरुद्वारा साहिब है तो यहाँ हम स्टे करेंगे। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा में ही, और वहीं स्टे करेंगे हम, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल तो यहीं रुकना पड़ेगा।